सिंधिया अनुमंडल क्षेत्र के सिंहडी कोयरीडी निवासी दामोदर महतो के घर में अचानक आग लग जाने से सारा सामान जलकर राख हो गया है। बताते चलें कि तकरीबन दोपहर 11 बजे अचानक आग लग जाने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। पीड़ित घर में ताला लगाकर घर से कुछ दूर में काम कर रहे थे। खबर सुनकर आनन फानन में घर का दरवाजा खोलने के दौरान देखा कि आग की लपटें विकराल रूप लेकर घर में रखा सारा सामान आग में समा गई है। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। तब तक घर में चावल, कपड़े, जेवरात, पलंग, छत और दीवार समेत मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस जलकर राख हो गई थी। संपत्ति का ब्यौरा निरीक्षण करने के दौरान बताया जाता है कि तकरीबन 4 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। दामोदर महतो बेहद गरीब किसान परिवार से हैं। दैनिक मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अचानक आग लग जाने से पीड़ित और उनके परिवार बेहद सदमे में है। आग कैसे लगी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। खबर सुनकर माले नेता लालमणि यादव प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से बात कर तत्काल 50 किलो चावल मुहैया करवाया गया है। वहीं स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि बालेश्वर मरांडी घटनास्थल पहुंचकर पीड़ित परिवार को आर्थिक रूप से तत्काल सहयोग कर संबंधित विभाग से मुआवजा दिलाने की बात कही है। मौके पर समाजसेवी जगदीश महतो, विमल वर्मा, वार्ड सदस्य खूबलाल वर्मा, जागेश्वर मिस्त्री, बालेश्वर वर्मा, जिला कमेटी सदस्य RAY कामेश्वर प्रसाद यादव, जिम्मी चौरसिया, बाल गोविंद वर्मा समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। सरिया से मोहन लाल राजीव की रिपोर्ट। नाम हुआ घर घर में आप कैसे आग लगा आपके घर में? कैसे लाग ले सर, हम ना जान गए, हम घर में ना हलिए। अच्छा, हम बाहर में हलिए, सब बाहरे आदमी गुहार करे लगल थी, तब दूर दूर के आलिए, तब हम दखल जे बोल हमर घर में कैसे लाग ले, तो हम ताला खोल लिए। अच्छा, तब सब दूर दूर आयल थी, तब निझवा लगल थी। की नुकसान वाले वाला अदर चार चावल हले, तीन पान चार हले, से गले जल गले, आलू हले, गेहूं हले, राशन के उठा उठा आन ले गए, से सब जल गले, आटा पिसा के आन ले गए 9 किलो से जिंगल जल गले, डिब्बा सब डिब्बा हले, सब सब जल गले, जबर रख ले गए वहाँ कोठवा पर से सब जल गले, हरका में गहना सब जल गले, घर जल गले, सबसे समुचा गाड़ी भी जला, पमार जल गले, तुम डांगर के की खिगेबा यार, गाड़ी भी हले लले हले, से बोल जल गले, अच्छा लुगा नंदर हले, से सब जल गले, तो हम कैसे की कर पाए। सरकार से की मांग करवाते हैं? सब मांग करो खन, जितना हमारा जे है घटल जल गले, तो हम काम लब लिया पार पे। अभी हम यहाँ मायापुर ग्राम मायापुर कोरडी पंचायत अंतर्गत मायापुर गांव में दामोदर महतो के घर में हमको सूचना मिला कि आग लग गया है। इसमें कि हमने कुछ ही देरी बाद, हम कहीं दूसरे जगह थे, वहां से हम चले, तो आने के बाद यहां देखे और ग्रामीणों का सहयोग से इनका घर में मैंने आग में काबू पा लिया गया था। तब तक हम पहुँचे, पहुँचने के बाद देखते हैं क्या यहाँ इस घर में सबसे पहले दो चक्का दो अथी वाहन था, उसको भी मैंने एकदम जल करके रख हो गया है। चावल था दो बांध देखे, वो भी रख हो गया है। कपड़ा लता जितना था, आलू वगैरह सारा कुछ मैंने इसका घर में, और इसको जब हम पूछते हैं तो वो बोलता है कि वो क्या कहते हैं उसको, हड़का कहते हैं, उसमें बोल जेवर भी हमने रखा हुआ था कि लगभग हम लाखों रुपया का इसका अनुमान लगाते हैं कि लाखों रुपया का संपत्ति इनका जल करके रख हो गया। और अभी हम यही आश्वास देते हैं कि हम कोशिश करेंगे, सरकार द्वारा इसका मांग करेंगे और कुछ लाभ दिलाएंगे।